नमस्कार सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो दाढ़ता भक्ति को स्वागत। आज अध्याय आपण शुणिबे कर्ण राजा संवाद। महाभारतीय जुगर जने आदर्श चरित्र रूपे जहाँ को आपण माने जानती तेणु कर्ण राजा जे केवल जने दानी थिले मानी थिले ताहा नुहंती, से जने भक्त मध्य थिले, जोथि पई भक्त कवि रामदास तांकर भक्ति स्तवक गोटे पर्याय रखिंट कर्ण राजा को। आई कर्ण राजा विषय भक्त रामदास किभली भाव वर्णना करमर एक सुंदर कार्यक्रम मध्यम चलतु शुणा। पुणी पूछ मन चैतन्य त्रेतयार चरित शुणि मुइलि पवित्र शुणि मुइलि पवित्र शुणि मुइलि पवित्र। मन एवं चैतन्य चैतन्य कहुचंति मन शुणुचंति तेणु मन आज चैतन्य को कहिले हे चैतन्य राय आपण मते पवित्र कथा आज पर्यंत जहाँ कही मुझे समस्त को शुणी मु पवित्र हो सारी तापर मध्य मोर जिज्ञासा परितृप्त होते बड़े आम अधिक ज्ञान अर्जन करूँ जितेबले आमर ज्ञान तृष्णारा अवनमित न हुए मरी न जाए तेणु जितेबले बास्तव में जड़े ज्ञानी सी बारंबार बारंबार अधिक आग को जीवापी चाहती अधिक शुणा को चाहती ठीक। आज मन राजा पूर्ण रूप से समर्पित हो अति विनम्र भाव चैतन्य को कहते जे आप सत्यर कथा कहले मुणिली तृतीयार कथा कहले मुणिली आुणला मोर मन तृप्त होतु मोर जो तृष्णा मोर जो आवेग ता बारंबार बारंबार बढ़ी चली सीना किंतु कमी ना मु पवित्र होती आहरी मत कहतु मु आहरी मध्य श्रवण करी तेल चैतन्य आज मन राजा निकट रे की प्रसंग कहे आ रामदास से प्रसंग को किपर भाव वर्णना करलतु शुणा। दाढ़ता भक्तिर पद पद के सुधा रस गोटे गोटे पद ये पद आप शुणुना तो सुधा सुधा कहले अमृत ये दाढ़ता भक्त एक वाङ्मय पद्य नुहे यह हूँ सुधा रस अमृतर गोटे गोटे बुंदा गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे अमृत बुंदा तेणु आज चैतन्य मन राजा कहते जे द्वापर जुगरे जड़े राजा थे शांत कीर्तिमान सत्यवादी एवं दानी नाम होउचंती तांकर कर्ण एक आदर्शमय चरित्र महाभारत जुगर एक महान चरित्र होउचंती कर्ण जहांकर त्याग तितिक्षार वर्णना आज भी इतिहास स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध जे पर्यंत चंद्र सूर्य थिबे से पर्यंत कर्णंकर चरित्र सेमती दीप्तिमंत सेमती भास्वर होकरी आम आखि आगे थी भक्त कवि रामदास कर्णं विषय कर्णं गाथा विषय आउ कौन कहते चलतु शुणी ना दीटा वंश को श्रेष्ठ वंश रूप से स्थान दिया जाए एक सूर्य वंश
एक चंद्रवंश जगत प्रदीपोर वंशी सूर्य चंद्र मसोरफी पयरुदीपितोर बाघभिस्तोर बंदेरी कवि पुंगव सूर्य वंशर राजा मानंकर वंशज मानंकर कीर्ति को अक्षय भावरे परिकल्पना करी सुंदर भावरे भगवान वाल्मीकि रचना करिगले रामायण आ सोमवंश चंद्रवंश चंद्रवंशर कीर्ति को चंद्रवंशर वंशज मानंकर दायाद मानंकर कीर्ति को सुंदर भावरे भाषा रे परिकल्पित कले भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास तेणु वाल्मीकि एवं व्यास को ब्रह्मा रूप से परिकल्पना करा जाय छे। सोमवंशर समस्त कीर्तिराजी को विमंडित करिसेंति भगवान व्यासदेव तांकर महाभारत रे जेमती सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ए सृष्टि को तैयारी करिसेंती सेमती आउ गोटे जगत अछि ताहा हेउची कबीर जगत जो कबीर जगत रे सी आउ गोटे नूतन सृष्टि को निर्माण कर दे पारंती असार काव्य संसारे कबीरैव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदं परिवर्तते चंदन वृक्षरे पुष्प प्रस्फुटित कर दे पारंती कवि असुंदरी को सुंदरी कर दियंती कवि असुंदर को मनमुग्धकर कर दियंती कवि तेणु आउ गोटे जगत हूँ कबीर जगत सोमवंशर कीर्ति को कवि तांकर सुंदर भावरे वर्णना करिसेंती आउ आजि मध्य कवि रामदास कर्णंकर चरित को आहुरी सुंदर आहुरी रसाळ करिसेंती दाढ़ता भक्ति माध्यम रे कोन करिसेंती चलंतु सुनि नेबा शरण संभालिबा अर्थे बाहे बांधिण थाई नेते सत्य भंग कुल पंत शांत सुशील से मत क्षत्रिय कुले से निशंक सर्वदा दैवे रवीर नंदन ताले जो कर्ण ये कर्ण काहांकर पुत्र ना रविंकर पुत्र सूर्यंकर पुत्र जेतेबेले माता कुंती कुमारी अवस्थारे ऋषि दुर्वासा को सेवा करिथिले प्रार्थना करिथिले आ ऋषि दुर्वासा एक कामना माळ तांको अर्पण करिथिले जे कामना माळा को धरी माँ कुंती जहांको स्मरण करिवे तांकर दिव्य कृपारु से एक पुत्र सन्तान लाभ करिवे तेणु ये माळटा को परीक्षा करिबा पई माता कुंती दिने भ्रमण करुछन्ते नदी कूळरे सूर्य देवता को चाहि परीक्षा कले जे वास्तव रे ए जो माळटी देइछन्ती ऋषि दुर्वासा ई माळटा केते दूर कार्यकारी हेइ पारुछि एही चिंता करि सूर्य को ध्यान कले आ सूर्यंकर दिव्य तेजरु एक पुत्र सन्तानटी लाभ कले जहाँ को से एक पेड़ी रे पुरे से नदी भितर भसई देथिले आउ पाइले तांकू राधा सारथींकर पत्नी आउ से राधा तांकू पालन कले जहाँ को आपण राधेय नामरे मध्य जानंती सी होचंती सूर्यंकर पुत्र दानी मानी क्षत्रिय कुल धूमकेतु आउ सबुबेले से युद्ध करिया पई सदा सर्वदा तत्पर थांती शरण पंजर अर्थात तांक पाख को जे शरणार्थी आसंती तांकु केबे से फेरांती नी तांकु शरण दियंती आश्रय दियंती सत्य अबा ए शरण पंजर बानाटा से निजे उड़ेई चंती जे केही शरणार्थी तांक पाखरु फेरी जाए ना एति महान सी आ सबुबेले युद्ध करिया पई से रंक परि हेउ थांती तत्पर सदा सर्वदा तांकु सुजोग मिलंता कि से युद्ध करंते एई भली भाबरे तांकर वीरत्व थिला आउ कौन थिला रामदास कौन कहते चलन तो सुनिबे चलते कंपे बसुमती सुरे असुरे डरी थांती ए मन्ते कर्ण महाराजा सुखे पाळई जन प्रजा सुखे पाळई जन प्रजा सुखे चलते कंपे बसुमती एत गंभीर थिले सी एत मानी थिले सी
एते उदार थिले सिए वसुधा कंपी जाए अर्थात धीर गंभीर चाली करती कर्ण शरीर भार एमती थी सत्य अबा माँ वसुधा कंपी जाऊंट कि नाई से सीए धीरे धीरे विनम्र भाव गंभीर भाव पाद पकईक चलती आनव कौन आज्ञा सुरे असुरे डरी था सुरे कहले देवता देवता एवं राक्षस मानव कथा भूली जातु आज्ञा देवता एवं राक्षस माने कर्ण को भय करती कहीं ना तेज तांकर दीप्ति सदा सर्वदा प्रतिभात थिला मध्य दिने म्लायति कृष्ण वर्तमा दिवावसाने रविरस्तमेति जस्य प्रताप प्रति प्रार्थिवानं दीवानी संग दुर्विसहं बभूव मध्य दिने म्लायति कृष्ण वर्तमा कहिले अग्नि आपण देखंतु मध्यान समय रे जदि आपण निया जाळिबे नियार तेज आपण को प्रखर देखा जीवनी अग्निटा देखा जीव कि सूर्यंकर प्रखर तेज मध्यान समय रे तनु अग्निंकर तेज आउ सेते बेसी उज्ज्वल हे पारिबो नाही दिबा वसाने रवि मस्तमेति जेतबे दिन सरी जीव जे सूर्य एते तेजियान थिले तांकर तेज मध्य अस्त हे जीव किंतु जस्य प्रताप प्रति प्रार्थी बाणं जहांकर प्रताप सुतरां कर्णंकर प्रताप तांकर प्रतिवादी मानक पई दिन एवं राति उभय दुर्विसह अनुभव हेउतिला राजा कर्णंकर वीरत्व को समस्ते भय करुथिले मध्यान समय अग्निंकर तेज रुहेनी संध्या समय सूर्यंकर तेज रुहेनी किंतु कर्णंकर तेज दीवानी संग दुर्विसह बभुव दिन एवं राति शत्रु मानक पई दुर्विसह हेइ पडुथिला आउ कौन थिला कर्णंकर कीर्ति कर्णंकर वीरत्व चलंतु सुनिबा कर्णंकर परिवार विषय रे चलंतु टिके सुनि नेबा कर्णंकर गोटी बोली पुओ नामतार विशिकेशन आउ तांकर पत्नी चंद्रावली तांकु नेकिरी तांकर छोटिया संसार ए संसार भितरे तांकर समस्त विहित कर्म कला परे मध्य कर्ण दान करूथिले कारण ना धनर तीनटा गति ये जो तीनटा गति धनर गोटे होची भोग गोटे होची दान आ गोटे होची नाश तेणु जी भोग न करे जी दान न करे तस्य तृतीयर गतिर भवन्ति तेणु जी ता धन को दान न करिवो बा भोग न करिवो तले तृतीय गति निहाती हबो धनर तीनटा गति गोटे दान गोटे भोग आ गोटे नष्ट जदि आपण दान न करिवे धन को ताले भोग करंतु जदि भोग न करिवे ताले सी आपे आपे नष्ट हे जीव आउ किसी प्रयोजन हबो नाही धनर कारण ये तीनटा गति भितरे धन होउची सीमित जोति पई राजा कर्ण महत थिले ज्ञानी थिले से कौन करूथिले ना धन को दान रे से प्रयोजन करूथिले आउ धन को तृतीयर गति को करै दउ नथिले भोग करूथिले एवं दान करूथिले ई दीटा गति थिला धनर कर्ण को पाखरे आउ कौन कौन थिला चलंतु सुनी नबा नीति सुवर्ण सते भार प्रमाण दान देवतार यथि उतारो जेबे जन मागंती अन्न वस्त्र दान मन संतोषे ताकु दे वाक्य कहंती चाटुआई वाक्य सुवर्ण दान से करती जेते बेले कर्ण दान करती सेते बेले तांको मनरे
ଅଧିକା କାଳେ ଦେଇଦେଲେ କି ଶଙ୍କା ଏସବୁ ନ ଶଙ୍କା ନଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେ କେତେ ଦାନ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଭାର ସୁନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଭାର ସୁନା ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯିଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲେ ଦାନ କଲେ, ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାନ। ଏ କଥାରେ ଅଛି ଅମୃତ, ଏଇ କଥାରେ ଅଛି ବିଷ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ବଚନ କହି, ମିଠା କଥା କହି, ଭଲ କଥା କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଯେଉଁ ଦାତା ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଆରରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣାବଳୀ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗଢ଼ୁ, ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଉ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ ଆମେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ ଆମେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ଅନୁକରଣ କରି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁକରଣ କରିଦେଉ, ଅନୁସରଣ କରିଦେଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଜଣେ ସହଜ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିଁ ଥାଏ। ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଇ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ସେ ଦାନୀ ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦୁଃଖୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେବେ ଦେଖି ଜୀବନ୍ତେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଧନ ତାଙ୍କର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା, କିଛି କ୍ଷେତ୍ର, କିଛି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଳିପାରିବେ। ଏତେ ଦାନୀ ଥିଲେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖିଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏତେ ଉଦାର ଥିଲେ ସେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ ପୁରି ଆସିଲା, କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଭୀରଭୀତ ଉମା ପ୍ଲାବିତ ବୈକୁଣ୍ଠେ, ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଜଳ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା ପ୍ଲାବିତ ବୈକୁଣ୍ଠେ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ଜଳ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିଲେ, ଆରେ ଇ କୀର୍ତ୍ତି କାହାର, ଇ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଦାନ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯଶ କେତେ ପ୍ରଖର। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଜୀବନରେ ନ ଦେଇଛି, ସେ କେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କେବେ ଯାଇଛି। ବିପଦ ବିଭୁଙ୍କ କଷଟି ପାଷାଣ, ପର ଖନ୍ତି ତହିଁ ନର ହୃଦ ଟାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ହଜିଯାଉଥିବା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୁଳ ପ୍ରଦୀପ ନା ସେ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରେ,
से परीक्षा दे सारी तेणु जहाँ जीवन में जिते परीक्षा आसे से सेते मार्जित हुए सेते शुद्ध हुए। प्रत्येक मनीष ता जीवन चर्जिया को जिते बड़े परीक्षा बोली भावि निए से सजग हो जाए। आप देखु आग को आपणकर परीक्षा थी आपण मन केमी थी ना सतर्कता आप अवलंबन करुवे मोर परीक्षा अच्छी मत पाठ पढ़ाक पड़ो जमती सेमती प्रत्येक मनीषर जीवन गोटे परीक्षा जदि आम जीवन को परीक्षा बोली ग्रहण करू तेल प्रत्येक दिन आमर चर्जिया को आम कर्म को आम आत्मसमीक्षा करूँ जे आज दिन में मोर का परीक्षा अच्छी जीवन मोर परीक्षा मुझे दिन में कौन कर सका राति पर्यंत मुझक दुख देनी तो मुझक कष्ट तो मुझ कहनी तो मानव देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले भगवान मनीष भितर दिव्य ज्ञान दे जन्म देती तेना आम टे आम को परीक्षा करने जे आम भितर जो दिव्य ज्ञान दे भगवान सत्य शांति दया क्षमा को ग्रहण कर निजर चेतना को सदा सर्वदा शुद्ध रखिकी समस्त को मार्जित व्यवहार देखा मुझे तो मो भर सत्य अच्छी तो मो भर दया अच्छी तो मु शांति पाई तो मुझक क्षमा करदी आप आज दिन में क्या क्षमा कर दिखते तो तेल आप तपस्या दरकार ना आम मनीष साधारण मनीष आम सत्य शांति दया क्षमा को अवलंबन कले आमको कुछर साधनार किसी प्रयोजन ना सत्य ठार बड़ तपस्या आ कौन अच्छी क्षमा ठार बड़ दान आउ कौन अच्छी आम जन को क्षमा देचे बास से हुए तो आज परीक्षा आम सफल हो जाइए काली पुणी कालीर सूर्य उदय समय आमको आउ गोटे परीक्षा स्थल उपनीत होगा पड़ो। प्रत्येक मनुष्य जीवन हूँ परीक्षा तेणु भगवान आज कर्ण को परीक्षा करने आसुंच रामदास कहते भक्त तेणु आज समय भगवान कहीं अदृष्ट रूप से आम परीक्षा नौ नौते सेमती किसी मान अच्छे सेमती किसी मान अच्छे तार मान को मर्त्य को छाड़ से कौन करूँ कौन न करूँ भगवान से परीक्षा ने नौ थे आपण सीना देखिपना कि आमर प्रत्येक मुहूर्त ईश्वर परीक्षा नौ सेटा सब बेले आम मुंड रखि कम कले हे तो आम कम एमती असजड़ा हेनी चलत तो शुणा भगवान की परीक्षा ने राजा कर्ण आउ रामदास ये परीक्षाटा को केमी वर्णना कर भगवान छद्मवेश धारण कले बेश बदलैले मायारे धरिले विप्रवेश भगवान विप्रंकर अंग को धारण करके आसिले राजा कर्ण बसिछन्ति राजसिंहासन रे प्रभु मायावी मायाधर विप्रवेश रे आसी कर्ण को परीक्षा करिया पई बाहरी चंती। दर्शक बंधु ठाकुर योजना करके चली आसिले ब्राह्मण बेश होकर राजा कर्णंकर सिंह द्वार निकट रे उपवेशित प्रभु कर्ण बसिछन्ति सिंहासन रे कौन करिवे भगवान कर एतादुस मायावी बेश देखी कर्ण चिन्ह देवे जानी देवे आ भगवान जो परीक्षा करिया पे आछन्ति से परीक्षा रे कर्ण कौन सफलता पाइजिवे ना हारी जिवे से कथा तो आपण जानिबे किंतु परवर्ती अध्याय रे वर्तमान पे समय सरी जाइछि एही अध्याय को आमे एठी रखुछु। नमस्कार।